आप यहाँ हॉस्पिटल में? प्राण तो गुरु के शरीर में भी बसते, कुछ समय से तबीयत कुछ कमजोर लग रही थी, इसलिए ध्यान से निकलकर शरीर पर ध्यान देना पड़ा। कोई द्वंद तुम्हारे मन को विचलित कर रहा है संता, तुम निर्णय नहीं ले पा रही हो, सत्य कह रहा हूं ना मैं? जी गुरुजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अगर अपनी दोनों उंगली में से किसी एक उंगली को दर्द पहुंचाना हो तो किसे चुनेंगे? दोनों का दर्द होगा तो मुझे दर्द होगा, ऐसे में किसका चुनाव करें? जब पीड़ा निश्चित हो तो बेहतर है वो निर्णय लो जिसमें सबकी भलाई है, सबकी खुशी। डॉक्टर, माया कैसी है? बहुत वीक है सर, बेहोशी में भी वो बड़बड़ा रही थी कि ये उनका बच्चा है। इस वक्त आपको उनका बहुत ख्याल रखना होगा, कोई भी सदमा उनके लिए खतरे से खाली नहीं है, सो प्लीज ध्यान रखिए। क्या सोच रही है मम्मी? देखा ना डॉक्टर ने क्या कहा, माया की हालत ठीक नहीं है मम्मी, कुछ भी हो सकता है उसे। मम्मी आपको फैसला लेना होगा, वैभव कभी भी आ सकता है मम्मी। आइए आइए बाबा। आ जाना बेटा, अभी तो अभी एक एक सेकंड भी इतना बड़ा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है बस मैं कब अपनी बच्ची को अपने हाथ में उठाऊं। आपको फैसला लेना होगा मम्मी कि श्रेया और वैभव का बच्चा मुझे दे रहे कि नहीं। मम्मी वैभव आ रहा है, मम्मी प्लीज प्लीज आपको फैसला लेना होगा मम्मी। मम्मी माया की जिंदगी का सवाल है, आपको फैसला लेना होगा मम्मी प्लीज। सविता, चुनाव सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारा निर्णय आने वाले कल को बदल सकता है। हेलो यार, आई एम सो सॉरी, मैं डिलीवरी के समय आ नहीं पाया, बट आई एम हैप्पी कि सब कुछ आराम से बहुत अच्छे से हो गया। क्या हाल है मेरे बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? भैया कांग्रेचुलेशन, क्या बात है भाभी, कांग्रेचुलेशन। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है? हाँ बाबा, बेटा मेरी छोटी श्रेया कहाँ है? कहाँ बच्ची? ये भगवान, ये माया की लड़की, पता नहीं क्या खा के पैदा किया है माया ने इसे। टीशा को कॉल लगाती हूँ। हेलो, हाँ कविता दीदी, मैं आप ही को फोन करने वाला था, क्या खबर है? श्रेया का बच्चा हो गया ना? अब ये बच्चा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब श्रेया का बच्चा तुझे चाहिए ना, तो ऊपर की टिकट कटवा ले। मतलब ये कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने के बाद कुछ देर बाद ही ऊपर निकल लिया, समझा? क्या बात कर रही है आप, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो चमत्कारी बच्ची है ना। वो यही तो सोच के मेरा दिमाग चकरा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस बच्ची ने पैदा होने से पहले इतने चमत्कार दिखाया, पैदा होते ही खुद को ही नहीं बचा पाई। हाथ कुछ हजम नहीं हुई, पर छोड़, ये माया की बच्ची भी कुछ कम नहीं है। है इतनी सी है, पिद्दू सी है, पर मेरे सर को ना फुटबॉल समझ के जो लात मारी उसने, इतनी सी बच्ची है लेकिन जब लात मारी ना तो लगा कि कोई छोटा भीम है। दिमाग चकरा गया मेरा। आपके सर पे चोट लगी है ना? पक्का चोट लगी होगी,
इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एक दिन की बच्ची है, इतना जोर से कैसे मार सकती है आपको? थोड़ा सोच के तो बोलिए। आप अभी हॉस्पिटल में है ना, एक काम करिए, वहां पर किसी डॉक्टर से मिलिए, उनको बोलिए कि आपके दिमाग का इलाज करें। तू ना शट अप हो जा। क्या? नहीं नहीं, तुम बोलते रहो हां। बकवास। वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि खबर तो ये है कि बच्ची जन्म देते ही मर गई है। कुछ तो गड़बड़ हुई है हॉस्पिटल में, पक्का कुछ तो हुआ है। तो खड़े क्या हो, जाओ और पता करो कि क्या गड़बड़ है। अगर जिंदा है तो किसी भी कीमत पे चाहिए मुझे वो चमत्कारी बच्ची। मैं पापा बन गया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये? है तो इतना। अब कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? सब खत्म हो गया। क्या क्या सोचा था मैंने, ये करूंगा वो करूंगा, इसे स्कूल में भेजूंगा। तय कल मैं बैंक भी गया था FD के इंटरेस्ट रेट जानने के लिए, क्योंकि बच्ची बड़ी होती है स्कूल जाने के लिए ना, तब तक FD में चोर हो जाता। मेरी बच्ची अब मेरे पास नहीं, देख नहीं पाया उसे। अपने हाथों पे उठा नहीं पाया। सेहा, मुझे ना मेरी बच्ची ना दो, कुछ करो, बच्ची ना दो मुझे, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बस बच्ची ना दो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.